हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंस्टॉल करेंगे निसान GTR निस्मो 2017। तो सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फोल्डर को ओपन करेंगे, इस वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। ये इसके दो मेथड हैं, ऐड ऑन के जरिए भी इंस्टॉल हो सकती है और रिप्लेस के लिए। तो आप लोगों को मैं ऐड ऑन वाला तरीका बता देता हूँ, रिप्लेस वाला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ऐड ऑन वाले फोल्डर को ओपन करना है, इस वाले NGTR फोल्डर को कॉपी कर लेना है और जहां पे आपकी GTA 5 इंस्टॉल है उस वाली लोकेशन में चले जाना है। मोड्स वाला फोल्डर को ओपन करेंगे, अपडेट X64 और DLC टैग्स यहां पे पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट हो चुका है। उसके बाद सभी फाइल को क्लोज कर देना है और अपनी ओपन आईवी को ओपन करना है। तो विंडोज पर क्लिक करके GTA 5 को ऑन करेंगे, तो ये ऑन हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे अपडेट वाले फोल्डर में, अपडेट RPF और एडिट मोड को ऑन करेंगे। शो इन मोड्स फोल्डर कॉमन में जाएंगे, डेटा में जाएंगे और नीचे आ जाना है आपने DLC लिस्ट XML, इसको आपने ड्रैग करके इधर ले आना है डेस्कटॉप पे। इसको ओपन करना है, ओपन विद नोटपैड। तो जहाँ पे आपकी जो फाइल है निशान वाली, उस वाले फोल्डर को ओपन करना है। ये रीडमी वाली फाइल ओपन करेंगे, इसमें नीचे आ जाना है। यहाँ पे ये आइटम लिखा है DLC पैक्स, इस वाली लाइन को कॉपी करके इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गया है, इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देना है और वापस इसे ड्रैग करके उसी जगह पे पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद फाइल पे जाएंगे और क्लोज ऑल कर देंगे, तो ये कॉपी हो चुका है सारा। अब आपने GTA 5 को ओपन कर देना। गाइस, गेम ऑन हो चुकी है। तो जैसा कि सिंपल ट्रेनर के जरिए हम गाड़ी को स्पॉन करेंगे, ओह माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट कार। तो गाइस, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी फाइल्स के। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि GTA 5 से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।